आप सभी जानते हैं कि नोकिया मोबाइल जगत की दुनिया में एक बार फिर से कदम रखने वाला है, और हो सकता है कि नोकिया के ये स्मार्टफोन्स आपको मार्च 2017 में देखने को भी मिल जाए। अब आपका तो पता नहीं, पर जब भी मैं नोकिया का नाम सुनता हूँ तो मेरे जहन में वो सारे फ़ोन आ जाते हैं जो कि स्टाइल स्टेटमेंट का प्रतीक थे, काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन्स थे, और मैंने उनमें से कुछ फ़ोन्स खरीदे भी थे। तो अगर आप भी उन फ़ोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ नोकिया के ऐसे 10 धमाकेदार फ़ोन्स जिन्हें देख के आप कहेंगे कि काश मैं इन फ़ोन्स को एक बार फिर से खरीद सकूँ। सबसे पहले मैं आपको नोकिया के 8110 के बारे में बताता हूँ। ये फ़ोन पहली बार सबसे पहली मैट्रिक्स फिल्म में यूज़ किया गया था। आपको याद ही होगा फिल्म का वो सीन जब फिल्म का हीरो नियो स्टाइल से फ़ोन को स्लाइड करता है, कान में लगाता है और बात करता है। क्या इम्प्रेसिव सीन था, सभी लोग इस फ़ोन को लेने के लिए दीवाने हो गए थे। कहने का मतलब है कि भारी भरकम बार फोन से हटकर इस फ़ोन ने फोन्स की दुनिया में स्टाइल का चलन शुरू किया था। साल 2000 में धीरे धीरे लगभग सभी लोग फोन्स खरीदने लग गए थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा फ़ोन था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था और लोग उस फोन को खरीदना ज़्यादा पसंद करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया के 3310 की। ये एक ऐसा फ़ोन था जो कि अगर आपके हाथ से गिर जाए या फिर अगर आप किसी को फेंक के भी मार दें तो भी ये फ़ोन टूटता नहीं था। और अगर बात की जाए इस फ़ोन की गेम स्नेक 2 की, तो आज हम सभी लोग उस गेम को काफ़ी मिस भी करते हैं। स्मार्टफोन्स की शुरुआत कहें तो शायद नोकिया के E90 से हुई थी, जिसको लोग कम्युनिकेटर के नाम से जानते हैं। इस फ़ोन में आपको नोकिया ने ईमेल, इंटरनेट और काफ़ी सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मुहैया कराई थी। और शायद अगर आपको याद हो तो आपने इस फ़ोन को शाहरुख खान के हाथ में भी देखा होगा। कहने का मतलब यह है कि 4 इंच की डिस्प्ले वाला ये फ़ोन एक लैपटॉप की तरह दिखता था, काफ़ी स्टाइलिश था और काफ़ी प्रोडक्टिव भी था। अब अगला फ़ोन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फ़ोन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में MMS शब्द आ जाएगा। क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि मैं कौन से फोन के बारे में बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नोकिया के 6600 की, जो कि एक ब्रिक फोन होने के बावजूद भी काफी स्टाइलिश था। और इस फोन ने दिखाया था कि एक फोन में कैमरा की ताकत क्या होती है। साथ ही साथ इस फोन के बीच में आपको एक डी पैड मिलता था जो कि गेम्स खेलने में काफी मदद करता था। अब फोन में जब गेमिंग का जिक्र होता है तो सभी के दिमाग में नोकिया के एनगेज का नाम जरूर आता है, और उसकी वजह यह है कि ये पहला फ़ोन था जो कि स्पेशली गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। और अगर आपको याद होगा तो इस फोन के दोनों तरफ आपको कीपैड मिलता था और बीच में डिस्प्ले था, जिसकी वजह से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी एनहांस हो जाता था। और शायद अपने डिज़ाइन की वजह से ये फ़ोन एज अ फ़ोन ज़्यादा नहीं चल पाया, लेकिन इस फ़ोन ने गेमर्स को ज़रूर अट्रैक्ट किया था। साल 2007 में नोकिया ने एक काफ़ी पावरफुल फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था नोकिया N95। ये फ़ोन अपने कई इंटरेस्टिंग फीचर्स की वजह से मशहूर भी हुआ था, जैसे कि डुअल स्लाइड, एक्सटर्नल म्यूजिक प्लेयर, कार्ल ज़ीस लेंस वाला 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8GB की इंटरनल स्टोरेज। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको GPS टेक्नोलॉजी भी मिली थी, और इस फ़ोन ने एप्पल के पहले आईफोन को काफ़ी करारा जवाब भी दिया था। फोन्स में अगर कैमरा इनोवेशन की बात की जाए तो शायद नोकिया से ज़्यादा किसी ब्रांड ने नहीं की होगी, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया का प्योरव्यू 808। ये फ़ोन अब तक का सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा फ़ोन माना जाता है, क्योंकि इस फोन में था 41 मेगापिक्सल के सेंसर वाला रियर कैमरा। और इस फोन ने आपको यकीन दिलाया था कि एक स्मार्टफोन से भी आप DSLR कैमरा वाली क्वालिटी पा सकते हैं, और मुझे यकीन है कि अगर आज भी आपको ये फ़ोन दिख जाए तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को खरीदना चाहेंगे। आपको नोकिया का E71 तो याद होगा ही, जो कि नोकिया ने ब्लैकबेरी को टक्कर देने के लिए बनाया था। फुल मेटल बॉडी वाला ये फ़ोन ब्लैकबेरी की तरह ही प्रोफेशनल वर्क और पर्सनल वर्क को अलग कर पाता था। इस फोन में मैसेजिंग और ईमेल्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया था। इस फोन में आपको स्पेशल फीचर्स मिले थे जैसे कि वाईफाई, 3GS और AGPS। एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए नोकिया ने भी अपने काफ़ी सारे टच स्क्रीन फोन्स निकाले थे, जिसमें से एक फ़ोन काफ़ी फेमस भी हुआ था जिसका नाम है X7। ये फ़ोन सिम्बियन के नए OS के साथ आया था, यानी सिम्बियन 3 OS, जो कि टच स्क्रीन को सपोर्ट करने के लिए डाला गया था। और ये फ़ोन अपने डिज़ाइन की वजह से काफ़ी फेमस भी हुआ था। जहाँ एक और सोनी के पास वॉकमैन सीरीज़ थी, तो दूसरी और नोकिया के पास एक्सप्रेस म्यूजिक सीरीज़ थी। और इस सीरीज़ में एक फ़ोन काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, उस फ़ोन का नाम है नोकिया 5800। इस फ़ोन में आपको एक्सप्रेस म्यूजिक मिला था, टच स्क्रीन मिली थी और कार्ल ज़ीस लेंस वाला 3.2 मेगापिक्सल ऑटो फोकस रियर कैमरा भी मिला था। तो ये थे नोकिया के कुछ 10 इंटरेस्टिंग फोन जिन्होंने नोकिया को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया था। और अगर आप भी नोकिया के फ़ैन हैं तो आप वेट कर सकते हैं, नोकिया दोबारा बहुत जल्द कमबैक करने वाला है। उम्मीद है कि मार्च 2017 तक नोकिया का एक नया स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और पर फिर भी अगर आपको इन फोन्स के कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।